वैसे देखो, फोन नया है, घड़ी नई है, तो एयरपॉड्स भी नए होने चाहिए। और हमारे पास में है ये ब्रांड न्यू एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन विद USB-C पोर्ट और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो आज इसी को अनबॉक्स करते हुए देखते हैं कि आखिर USB-C पोर्ट के साथ में क्या कुछ नया एड हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। Guys, the all new Apple AirPods Pro second generation with USB-C port. अब तो आपको बताता हूं कि यहां पे क्या कुछ नया है, बिकॉज AirPods Pro second generation जो है वो हमने देखा है पहले से, बट अभी एक नया, समझ लो एक नया वर्जन आ गया, एक अपडेटेड वर्जन आ गया इन एयरपॉड्स का, जो कि ऑलरेडी आपको बताया दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर ईयरफोन्स अगर कोई है मार्केट में तो वो एप्पल एयरपॉड्स हैं, और ये है द लेटेस्ट एयरपॉड प्रो सेकेंड जनरेशन। अब यहां पे हुआ क्या है, विजुअली जो सबसे पहला चेंज है ऑफकोर्स वो है ये नया USB-C पोर्ट। बॉक्स हमने देखा ही, हमारे पास में USB-C2C केबल आती है, विच सिंपली मीन्स कि आप अपने आईफोन से इनको ऑन द गो चार्ज कर सकते हो, टॉप अप कर सकते हो, अगेन एडिंग कन्वीनियंस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिजिकली यहां पे एक और चेंज हुआ है जिसको खैर आप देख तो नहीं पाएंगे, बट अभी ये आते हैं IP54 रेटिंग के साथ में, विच सिंपली मीन्स कि मतलब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और मतलब डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। अब अंदर क्या हुआ है आपको मैं वो बताता हूं। मैंने तो एयरपॉड्स को जब पहले वाला आया था तब से यूज करने का बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस रखा है, परफेक्ट कन्वीनियंस से लेके आते हैं वो तो है ही। अब यहां पे हमारे पास में और नई चीजें आ गई हैं सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे अभी लॉसलेस ऑडियो का सपोर्ट है। इनमें एप्पल की H2 चिप है, और मजे की बात एप्पल की H2 चिप जो है वो विजन प्रो हेडसेट में भी है। तो अगर आप एप्पल विजन प्रो जब काम में लेंगे तो उसके साथ में इनको जब पेयर करेंगे ना तो लॉसलेस ऑडियो हमको मिलने वाला है, विच इज डेफिनेटली काइंड ऑफ एक लेवल अप इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट इमर्जन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो वो काफी मजेदार होने वाला है। अब इसके अलावा आते हैं हमारे पास में तीन नए फीचर्स, यहां पे सबसे पहला है अडैप्टिव ऑडियो। देखो गाइस, अगर हम इनकी बात करते हैं ना तो जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत सॉलिड है, आपको पता है कि मतलब आसपास का सारा जो शोर शराबा है उसको एकदम शांत कर देगा, या अगर आप चाहो तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड काम में ले सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नॉइस कैंसिलेशन तो चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम आपको आसपास का अगर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है या कुछ किसी गाड़ी ने अगर मान लो हॉर्न बजाया आप रोड पे चल रहे हो तो आपको उनकी आवाज चाहिए लेकिन नॉर्मल रोड का शोर शराबा नहीं चाहिए। तो यहां पे जो ये अडैप्टिव ऑडियो वाला सिस्टम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे सिंपली आपको एज अ नॉइस कैंसिलेशन वाला ये पूरा फील देगा और जो आसपास के नॉइस एलिमेंट्स हैं उनको अच्छे से रिड्यूस करेगा। एट द सेम टाइम अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट पे आप हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उसकी आवाज आएगी, विच सिंपली मीन्स कि काफी सेफ हो गया है। इसके अलावा हमारे पास में भी आ गया है पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम का ऑप्शन, जो कि बहुत काम की चीज है। अब आप सोच के देखो कि आप बाहर हो और आप एक वॉल्यूम लेट से 80% के ऊपर कोई गाना सुन रहे हो, अब जब आप बाहर से चलते चलते अपने घर में आते हो, अब घर में आपका जो माहौल है वो अलग है, अलग टाइप का शोर है, अलग टाइप की साइलेंस है जो बाहर नहीं थी, तो अगर वॉल्यूम 80% पर रहेगा तो आपको लगेगा कि अब थोड़ा गाने की आवाज तेज हो गई है। तो यहाँ पे जो पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम है ये आपके आसपास के एनवायरमेंट के हिसाब से आपको वो सेम आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है जो आपको सुनना है। तो आपको बार बार वॉल्यूम अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है, इन जस्ट ऑल प्रोसेसिंग जो कि बाय डिफॉल्ट होती रहेगी माइक्रोफोन्स और सब सिस्टम्स के साथ में, या आप किस लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल आप किस लोकेशन पे कितना वॉल्यूम रखते हैं और कैसे आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं अक्रॉस एप्लीकेशंस वगैरह, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और जो तीसरी चीज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज कॉन्वर्जेशन अवेयरनेस। मैंने इनको पहना है, ठीक है जी, मैंने जो है वो नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है कि मेरे को अपने आसपास की कोई आवाज़ नहीं चाहिए, मैं अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कहीं कॉफी शॉप पे हूँ जहाँ पे आसपास लोग बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी है, बट मैं एकदम अपनी दुनिया में खोया हुआ हूँ। बट
द मोमेंट आई वॉन्ट टू टॉक, जैसे ही मुझे किसी से बात करनी है, जैसे ही मैंने बोलना अगर स्टार्ट किया, मेरे म्यूजिक का वॉल्यूम कम हो जाएगा और इंस्टेंटली ट्रांसपेरेंसी मोड किक इन हो जाएगा और मेरे को आसपास की सारी बातें सुनाई देंगी और मैं किसी से जब चाहूं तब बात कर सकता हूं। तो इट्स ओनली व्हेन आई वांट टू स्पीक, और ये है इसका तीसरा नया फीचर विच इज कॉन्वर्जेशन अवेयरनेस। तो गाइज, आई मीन ऑफकोर्स यू नो हाईली एडवांस्ड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आपके पास में जैसे टच कंट्रोल्स हैं, या अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल माइक्रोफोन्स, या 6 घंटे तक का कंटिन्यूअस यू नो म्यूजिक प्लेबैक, और अगर हम केस को जोड़ लें तो 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ, मैगसेफ चार्जिंग भी है, ची चार्जिंग भी है, USB-C पोर्ट के थ्रू जो है वो आप अब टॉपअप भी कर सकते हो। अगर ये खो जाते हैं तो यहाँ पे स्पीकर भी है कि आप इनको प्रिसाइसली ढूंढ सकते हो अपने आईफोन की हेल्प से। तो एवरीथिंग कंबाइंड ये है नए नए एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन विद USB-C पोर्ट, और इसकी जो प्राइस है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि पहले भी थी, 24,900 रुपए। एंड आई मस्ट टेल यू, अगर आपके पास में एक आईफोन है तो आईफोन के लिए जो बेस्ट म्यूजिक कंपेनियन होगा वो यही है ऑन द गो। बड़े वाले एयरपॉड्स मैक्स भी हैं अगर आपको वैसा हेडफोन चाहिए, बट एयरपॉड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द ऑल न्यू एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन, उनको पहन लो ना, एक सेकंड में सब सन्नाटा हो जाता है। That's the power of these new earphones. कैसे लगे आपको, लाइक शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।